नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,17,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,461 लोगों में कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,17,671 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 116, अरवल में 23, औरंगाबाद में 18, बांका में 23, बेगूसराय में 99, भागलपुर में 70, भोजपुर में 25, बक्सर में 36, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 139, गया में 64, गोपालगंज में 68, जमुई में 25, जहानाबाद में 26, कैमूर में 30, कटिहार में 103, खगड़िया में 23, किशनगंज में 52, लखीसराय में 37, मधेपुरा में 45, मधुबनी में 134, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 161, नालंदा में 103, नवादा में 23, पटना में 308, पूर्णिया में 96, रोहतास में 55, सहरसा में 75, समस्तीपुर में 54, सारण में 103, शेखपुरा में 17, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 48, सिवान में 48, सुपौल में 23, वैशाली में 34, पश्चिम चंपारण में 79। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 91,841 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 588 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग ने जारी की जरूरी गाइडलाइन। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान तक के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को नामांकन दाखिला कराने को कहा गया है। उम्मीदवारों को सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। साथ ही प्रचार को लेकर भी आयोग ने गाइडलाइन में विस्तार से बताया है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए घर घर जाकर 5 लोगों को जनसंपर्क की अनुमति दी है। इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली के लिए भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश दिया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा आई कोविड-19 की चपेट में। भारतीय लोक गायिका शारदा सिन्हा कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसकी जानकारी शारदा सिंह ने फेसबुक के जरिए अपने फैंस को दी है। शारदा ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। गायिका शारदा सिन्हा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि आप सबको जानकर बहुत दुख होगा कि मुझे भी कोरोना हो गया है। मैंने कोविड-19 के इस माहौल में पूरी सावधानी बरती, किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क में नहीं आई, मैं अपने घर में ही रह रही थी। ऐसा लगता है कि कोविड-19 खुद मेरे घर चलकर आया है। मैं यही कहूंगी कि आप सभी अपना ख्याल रखिए, आपकी दुआओं की जरूरत है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रीना देवी मेमोरियल अस्पताल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने एक अणे मार्ग स्थित एक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैमूर जिले के मोहिनिया में NH2 पर नवनिर्मित रीना देवी मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पताल के SO और फिर उपकरणों को दिखाया गया है। यह काफी अच्छा है। रीना देवी मेमोरियल अस्पताल के उद्घाटन के लिए मैं विशेष तौर पर विधान पार्षद संतोष कुमार सिंह को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में इस अस्पताल का निर्माण करवाया है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर STET अभ्यर्थी ने किया विरोध। बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई STET की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिस के बाहर जमा भी हुए और नारेबाजी करते भी देखे गए, जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग की है। विरोध करने के दौरान STET एक अभ्यर्थी ने कहा है कि पिछले 28 जनवरी को पूरे बिहार के 317 केंद्र पर परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा में कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। हमारी मांग है कि परीक्षा पहले ली गई है, उसका रिजल्ट जारी किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से निकाले गए पैसे को लेकर ईडी ने बहन प्रियंका के बयान किए दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से निकाले गए पैसे को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। वहीं अब ईडी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर के जांच के सिलसिले में उनकी बड़ी बहन प्रियंका सिंह से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका बैंक खातों में नॉमिनी है। इससे पहले अभिनेता के गुजर जाने से जुड़े एक मामले के सिलसिले में सोमवार को दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का बयान भी दर्ज किया गया था। सूत्रों के अनुसार सुशांत के पिता से बैंक खातों से गायब रुपए को लेकर सवाल पूछे गए थे। मुजफ्फरपुर में मकान की खुदाई में निकला सोना चांदी और पीतल का बक्सा। मुजफ्फरपुर में मकान की खुदाई के समय सोने चांदी और पीतल के बक्से को ढूंढ निकाला गया है। मिली जानकारी के अनुसार घर की खुदाई में सोने चांदी सिक्के और आभूषणों से भरे आधा दर्जन पीतल के बक्से मिले हैं। हालांकि घर मालिक ने इन्हें लूट लिए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। घर के मालिक वकील चंद्रशेखर आजाद ने थाने में मामले को दर्ज करवाया और साथ ही आवेदन किया है। इसमें गाँव के लोगों द्वारा बक्से को बिना पूछे गायब करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया है कि कई सालों पहले कंपन में उनका घर मिट्टी से दब गया था, जिसने सोना चांदी और सिक्कों से भरा पीतल का बक्सा भी दब गया था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रुति झा के बारे में। श्रुति झा एक भारतीय अभिनेत्री है, जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था।
उन्होंने 2006 में एक धारावाहिक धूम मचाओ धूम से अपने अभिनय की शुरुआत की थी, जिसमें वो मालिनी शर्मा का किरदार निभा रही थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से पूरी की और साथ ही श्री वेंकटेश्वर कॉलेज नई दिल्ली से कला स्नातक स्तर की पढ़ाई कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्थिति झा ने अपने करियर में जिया जले, ज्योति, शौर्य और सुहानी, दिल से दीदुआ, सौभाग्यवती भव, बालिका वधु, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य में काम कर चुकी हैं। फिलहाल वो 2014 से लगातार कुमकुम भाग्य और 2017 से कुंडली भाग्य में नजर आ रही हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए सेवा शर्त से नाखुश दिखे नियोजित शिक्षक। बिहार सरकार द्वारा सूबे के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए जारी सेवा शर्त पर शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत टीईटी एसटीईटी शिक्षकों ने नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सेवा शर्त में शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण, फुल फ्रेज, ईपीएएफ, अर्जित अवकाश, ग्रेजुएटी, बीमा, मेडिकल समेत कई महत्वपूर्ण मांगों को दरकिनार कर दिया गया है। इसी क्रम में अपना विरोध प्रकट करते हुए सूबे के एसटीईटी शिक्षकों ने फेसबुक पर सेल्फी विद पोस्टर कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन में विभिन्न जिलों के हजारों शिक्षकों ने अपनी भागीदारी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा जवानों को कैशलेस इलाज की सुविधा। बिहार में कोविड 19 संक्रमण के प्रसार को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा जवानों को बड़ी सुविधा दी है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के संक्रमित होने पर उनके राज्य में कहीं भी कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले में निजी अस्पताल में से कोविड 19 इलाज करवाने के लिए सूचित कर दिया और साथ ही निर्देश दे दिया है। आयोग के वरीय प्रधान सचिव सुमित मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी है। 22 और 23 अगस्त को भाजपा की कार्यसमिति की होगी बैठक। आज से भाजपा की कार्यसमिति की बैठक की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की कार्यसमिति आज और कल यानी कि 22 और 23 अगस्त को आयोजित करवाई जाएगी। इस दो दिवसीय कार्यसमिति में पार्टी के सभी पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करने वाले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा 23 अगस्त को संबोधित करेंगे, इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार कार्यसमिति में भाजपा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेगी। बिहार के भोला के लिए सोनू सूद ने खरीदी भैंस। कोविड 19 के इस माहौल में मसीहा बनकर सामने आए सोनू सूद ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले एक बाढ़ प्रभावित की मदद की है, जिसके तहत पश्चिम चंपारण के भोला के बेटे के गुजर जाने के बाद और बाढ़ में भोला के भैंस के बह जाने के बाद भोला काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। इसके बाद एक भले व्यक्ति ने भोला की कहानी सोनू सूद तक पहुंचाई, फिर सोनू सूद ने तुरंत भोला की मदद के लिए भैंस खरीद दिया और उस तक तुरंत पहुंचा भी दिया। वहीं भोला से यह भी कहा है कि इतनी खुशी तो मुझे अपनी पहली कार खरीदने में नहीं हुई थी, जब बिहार आऊंगा तो इस भैंस का एक ग्लास ताजा दूध जरूर पीऊंगा। 29 दिन बाद समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर परिचालन हुआ शुरू। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 29 दिनों के बाद शुक्रवार के परिचालन एक बार फिर से शुरू करवा दिए गए हैं। वहीं 22 अगस्त यानी कि आज से सभी ट्रेनों का परिचालन भी दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड से किया जाएगा। सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र ने बताया है कि दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार की शाम 6 बजे से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर गाड़ियों के परिचालन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, रेलखंड के हायाघाट थलवारा स्टेशन के मध्य पुल संख्या 16 तक बाढ़ का पानी आने के कारण 24 जुलाई से गाड़ियों परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। पटना के सबसे गंदे शहर होने पर लालू परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया निशाने पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पटना को देश का सबसे गंदा शहर बताया गया है। इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल बिहार के सभी शहरी निकाय एक बार फिर से फिसड्डे साबित हुए हैं। रिपोर्ट के आने के बाद अभियान में सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि देश में पटना को गंदगी में नंबर एक का स्थान मिलने पर 15 साल के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए, 15 साल में कहीं तो नंबर वन स्थान प्राप्त हुआ। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार को निशाने पर लेते ट्वीट कर लिखा है कि का हो नीतीश सुशील, इसके लिए भी क्या हम ही जिम्मेवार है? शर्म तो नहीं आ रही होगी इस कथित सुशासनी और विज्ञापनी सरकार के लोगों को। डीएम ने निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि लेने वाले विद्यालयों पर सख्ती से पेश आने का जारी किया आदेश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने पर अब सरकार सख्ती से पेश आने वाली है, जिसको लेकर पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि ने आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु सभी कोटि के पंजीकृत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के लिए परीक्षा समिति द्वारा छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क हेतु राशि का निर्धारण किया गया है। सभी छात्र छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की विद्यालयों में जमा करने का आदेश भी दिया गया है।
बिहार में बढ़ रहा है कोविड 19 जांच का दायरा। सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि बिहार में कोविड 19 की वजह से सरकार पूरी तरीके से परेशान है और पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड 19 को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बिहार का रिकवरी दर बढ़कर 78.5% हो गया है। वहीं संक्रमितों की जांच में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर अब तक 22,28,516 सैंपल की जांच की जा चुकी है। अकेले 20 अगस्त को 1,12,422 सैंपल की जांच की गई है। नीतीश कैबिनेट की दूसरे दलित मंत्री को मिली उद्योग विभाग की जिम्मेदारी। जदयू के पूर्व मंत्री श्याम रजक को निकाले जाने के बाद खाली पड़े उद्योग विभाग की जिम्मेदारी अब नीतीश कैबिनेट के दूसरे दलित मंत्री को सौंप दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार श्याम रजक की बर्खास्तगी के बाद खाली चल रहे उद्योग विभाग की जिम्मेदारी अब महेश्वर हजारी को दे दी गई है। सरकार ने इस संबंध में अपना आदेश जारी कर दिया है। जदयू नेता महेश्वर हजारी भी दलित तबके से आते हैं। श्याम रजक के जाने के बाद उद्योग विभाग का जिम्मा एक बार फिर से दलित तबके में आने वाले मंत्री को दे दी गई है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की बदहाल हो रही स्थिति के लिए खराब लीडरशिप को ठहराया जिम्मेदार। प्लूरल्स पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने मधुबनी में खजौली विधानसभा अंतर्गत जयनगर प्रखंड में बीते दिन पहुंचकर डीवी कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही छात्राओं से मुलाकात भी की। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम बिहार को 30 साल के कोर्ट से स्वतंत्र करने और बिहार की बेकार हो रही स्थिति में बदलाव के लिए आए हैं। बिहार में बदलाव की ओर ले जाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। बिहार की यह स्थिति यहाँ की खराब लीडरशिप के कारण हुई। हमारे राज्य में लोग दूसरे राज्य में जाकर इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। नियोजित शिक्षकों को लेकर महागठबंधन ने किया दावा। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर प्रदेश में राजनीति फिर से शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधे जा रहे हैं। इसी क्रम में अब राजद ने वर्तमान में नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर साथ ही चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिना शर्त शिक्षकों की सभी मांग को पूरा करेंगे। साथ ही साथ राजद नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने उक्त बातें कही है और कहा है कि अगर प्रदेश में अगली सरकार हमारी पार्टी की आई तो हम लोग बिना शर्त के इन शिक्षकों की तमाम मांगों को मान लेंगे। और साथ ही पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों और दूसरे नियोजित शिक्षकों में भेदभाव करती है, जो नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीटों में से समझौता नहीं करने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत सीट बंटवारे को लेकर दांव पेच फंसता नजर आ रहा है। इसी क्रम में बिहार भाजपा ने भी अब अपनी परंपरागत सीट में किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं करने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया है कि भाजपा परंपरागत सीटों पर उम्मीदवार लेकर रहेगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, संजय जायसवाल ने हाल ही के दिन में राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए सभी विधायकों को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगाते हुए उक्त बातें कही हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद की मंशा पर पानी फेरने की कही बात। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर अनिश्चितता की स्थिति समाप्त कर दी है। आयोग ने गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया है कोविड 19 के माहौल में मतदाताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजद की कोशिश थी कि चुनाव टल जाए और मतदान हो तो बैलेट पेपर के जरिए। इसके साथ ही आयोग ने राजद की मांग को ठुकरा कर निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाया है। लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी दो टूक नसीहत। राजधानी पटना को स्वच्छ अभियान सर्वेक्षण 2020 की सूची में खराब अंक मिलने के बाद लगातार सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वच्छता को लेकर दो टूक नसीहत दी है। लोजपा ने अपने नसीहत में बिहार में स्वच्छता अभियान की हवा निकालने की बात कही है। लोजपा की तरफ से कहा गया है कि स्वच्छता मुहिम सर्वे में बिहार के शहरों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहद ही निराशाजनक और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी बिहार में स्वच्छता मुहिम का सपना साकार हो सकता है। ससुर चंद्रिका राय को लेकर के तेज प्रताप यादव ने निकाली अपनी भड़ास। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम दलों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की हैसियत नहीं है, उनको फरियाना है तो आकर के फरिया ले। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि किसी चंद्रिका राय फंद्रिका राय को वो नहीं जानते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन को लागू करना बताया मुश्किल। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि जल्दबाजी में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
इसका करना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों को पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध नहीं करवा पाई तो वोटरों को कहां से करवा पाएगी। इसी के तहत कांग्रेस ने मांग की है कि सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग 50 लाख का बीमा करवाए। वोटिंग के दौरान किसी भी मतदाता की जान अगर कोविड-19 की वजह से जाती है तो उसके लिए यह बीमा कवच के रूप में काम करेगी। रोहित शर्मा समेत 5 को मिला खेल रत्न। बीते दिन खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार घोषणा कर दी है, जिसके तहत खेल मंत्रालय ने 5 खिलाड़ियों को इस बात का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का फैसले पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें क्रिकेट से रोहित शर्मा, पैरा एथलीट से मयप्पन टी, टेबल टेनिस की मनिका बत्रा, रेसलिंग से विनेश फोगाट और महिला हॉकी से रानी रामपाल का नाम शामिल है। आपको बता दें, रोहित शर्मा देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले 4थे क्रिकेटर होंगे। इनसे पहले यह अवार्ड सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को मिल चुका है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नितेश कुमार, प्रवीण शर्मा, प्रवीण सदन, रविंद्र पासवान, ऋतु कुमारी, शरद ओझा, असलम राज, जितेंद्र कुमार, विकास कुमार यादव, सुमित कुमार, मोहम्मद हंजला, दीपक कुमार, हेमंत हमेशा, गुड्डू कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार, आरपी सिंह, घनश्याम कुमार, रानी कुमारी, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक करवाने में कितना सफल साबित हो पाएगा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।